दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि मेरा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज। एनडीए की सत्ता में वापसी को लेकर सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े। मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे की रिपोर्ट आनी शुरू हो चुकी है। अधिकतर सर्वे इसी बात का अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर सत्ता में किसकी वापसी होगी। एक ऐसा ही सर्वे हम आपके सामने लाए हैं जो बता रहा है कि इस बार भी एनडीए फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। बता दें कि टाइम्स नाउ और बीएमआर के सर्वे के मुताबिक एनडीए फिर से बहुमत के जादुई आंकड़े को छू सकती है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 543 में से 283 सीट मिलने का अनुमान है। वही यूपीए सिर्फ 135 सीटों तक सिमट जाएगी। सर्वे का मानना है कि एनडीए को दक्षिण भारत में ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाली, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान है। नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश असम और हिंदू पट्टी के राज्यों में बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा। सर्वे का मानना है कि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दल आसानी से बहुमत का आंकड़ा छू लेंगे। सर्वे का मानना है कि हिंदी पट्टी राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, वही दिल्ली में बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। बता दें कि सर्वे के आंकड़े ने दिल्ली में बीजेपी को 7 सीटों पर जीत बताई है। मध्य प्रदेश के 29 में से 22 सीटों पर बीजेपी के जीत मिलने का अनुमान है। वही राजस्थान में बीजेपी 25 में से 20 सीटें जीत सकती है। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट में दें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।